मैंने कटिंग से फाइकस लगाया था, तो आपको दिखाती हूँ उसकी बहुत कंडीशन कैसी है। बहुत बड़ा हो गया, 5 इंच के गमले में और जड़ मिट्टी में पकड़ ली है, कंडीशन बड़ी। देखो एक फाइकस ये है, कटिंग से लगाया था मैंने, ये तो 10 इंच के गमले में है। अब इसके साथ में ये मेरा वेरीगेटेड स्पाइडर प्लांट भी, इसको भी मुझे चेंज करना है, रिपोर्ट करना है। और अब दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए 5 इंच के गमले में है और ये इतना बड़ा हो गया, सिर्फ इतनी सी टहनी से लगाया हुआ है। और ये कैसे बढ़त कर रहा है, ये मिट्टी में है ना, तो ये जड़ इसने यहाँ ज़मीन में बना ली, यहाँ से निकल करके। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये यहाँ, अब इसको काटना पड़ेगा, जड़ इसकी गमले से बाहर आकर के मिट्टी में चली गई है। तो इसको ये देखिए गमला तो हिल गया, बस जड़ इसकी बाहर है। इसको मेरे को यहाँ से कट करना पड़ेगा इसको, जड़ को ही, क्योंकि ऐसे बाहर निकलने वाला नहीं है ये, इसको कट करूँगी तभी निकलेगा। चक्कू लेके आती हूँ, उससे कट करती हूँ उसको, देखिए इसको यहाँ से कट करती हूँ। कट करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मैंने कट कर दिया है, तो ये गमले वाला अलग हो गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये यहाँ इसकी जड़ रह गई है, तो इसको मैं यही रहने दूँगी यहाँ पर ही, और यहाँ फंगीसाइड पाउडर अभी लगा देती हूँ। तो ये देखिए इसकी जड़ कहाँ से कहाँ निकल के जा रही है, यहाँ ये फैल रही है जड़। इसको मैं पूरी को इसको यही मिट्टी में दबा देती हूँ, ये दूसरी जगह जड़ बन गई, इसको यहाँ दबा देती हूँ और फंगीसाइड पाउडर लगाती हूँ। फाइकस को लगाने के लिए पूरा गमला मैंने खाली कर लिया, इसकी मिट्टी निकाल दी है। और ये देखिए इसमें 2 साल हो गए, बट इसमें ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं कैसा कि ये सिकुड़ गया है, ये ऐसा कीड़ा हो रहा है इसमें, तो एक तो मैंने फिकवा दिए है, ये रहा आपको दिख रहा होगा, हनी लो इसको भी फेंक के आओ, ये सिकुड़ जाता है। और देख लो इसमें, एक बार देख लेती हूँ मैं, इसलिए फंगीसाइड मिट्टी में था ना, तो हो सकता है बारिश की वजह से मिट्टी में कई बार अलग अलग तरह के कीड़े हो जाते हैं, बट मेरा पौधा तो बहुत हरा भरा है, पता नहीं इस कीड़े की वजह से है या कैसे मिट्टी में था इसलिए है। तो इसके ये रूट्स निकाल देंगे और ये मिट्टी में काम भी लूँगी, इसको धूप दिखा के 1-2 दिन की और वापस से। वैसे भी ये लाल मिट्टी है, अभी देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी मिट्टी है, आप काम में ले सकते हैं इसको। तो इसमें नीचे मैंने दीपक लगा दिया है, अब इसमें भर के दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ से काम कर रही हूँ मैं, इसको निकाल लूँगी मैं पूरा ऐसे पैर से पकड़ करके। ये देखिए अब इसको एक बार नीचे से चेक कर लेंगे, मैंने 2 दिन से पानी नहीं दिया है ना, तो मिट्टी भुरभुरी हो रही है। ये नीचे से बिल्कुल रूट हमारी सही है, कोई कीड़ा फंगस कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसको रख करके, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लूँगी। और इसको यहाँ से आपको दिखाती हूँ, ये जो एक्स्ट्रा जड़ दिख रही है इसको मैं कट करूँगी ऊपर से ही, नहीं तो फिर गमले में देखिए रखने में दिक्कत आ रही है, इसको यहाँ से कट करूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं कटिंग करके यहाँ से कट करके लगा दूँगी मैं, ग्रोथिंग क्या पता हो जाए इतनी इतनी, ठीक है। और फिर दिखाती हूँ आपको, तो ये मैंने इसमें लगा दिया है, थोड़ी जड़ की भी कटिंग की है और इसको भी निकाल दिया है मोटी जड़ को, बट ये ऊपर से काफ़ी हैवी हो रहा है तो ये टिक नहीं रहा, जबकि मैंने पूरा रूट खाली करके उसकी कटिंग करके लगाया है। तो मैं सोच रही हूँ इसको कट कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो ये हल्का हो जाएगा, ये देखिए ऐसे लुढ़क रहा है ये, तो ये ख़त्म हो जाएगा पौधा। इसकी कटिंग करनी बहुत ज़रूरी है, तो मैं कट करके आपको दिखाती हूँ, हल्का कर देती हूँ इसको मैं। तो ये देखिए मैंने पूरा हल्का कर दिया इसको, ये सारा निकाल दिया, अब इनको कटिंग को लगा दूँगी मैं। और यहाँ से ये इस तरफ झुक रहा था पूरा, तो मैंने क्या किया, थोड़ा मिट्टी हटा करके और एक पत्थर यहाँ पर लगा दिया है और उसको अच्छे से मिट्टी में दबा दिया है। और इसकी मैं इसको धूप के जो सूरज जिस तरफ ज़्यादा धूप होती है पूरे दिन भर की, उससे अपोजिट रखूँगी ताकि इसका झुकाव इधर भी हो जाए, धीरे धीरे अपनी जगह बना लेगा। तो इस तरह आप भी फाइकस की कटिंग लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और ये मेरी ऐसी ही कटिंग से लगाया हुआ पौधा है और ये गोल्डन फाइकस है, ब्लैक इसके पत्ते नहीं है, इस तरह के हैं। तो मैं इनकी कटिंग कर करके और लगा दूँगी। अभी बज गए हैं फिलहाल शायद 10:30 से ऊपर हो गए हैं और सुबह 7:30 से लग रही हूँ मैं, धूप आ चुकी है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल छाया थी पूरा। तो आपको कैसा लगा मेरा ये रिपोर्टिंग का वीडियो फाइकस का, अपना कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल प्रेस ज़रूर करिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इतनी सारी कुछ तो निकाल दी है क्योंकि मैं पहले लगा चुकी हूँ कटिंग और कुछ भी किया आपको अपडेट दूँगी बाद में। तो ये इतनी सारी मैंने कटिंग कर ली है, उनकी पत्तियों को हटा दिया और यहाँ पर बिना रूप हारमोन के ही मैंने यहाँ पर छोटी छोटी लगा दी है। और अब इसमें या कुछ ज़मीन में छाया में यहाँ पर, तो मेरा ग्रीन हाउस समझ लीजिए इसको, तो उसमें पानी डाल के फिर लगा के आपको दिखाती हूँ। तो मैं फाइकस की कटिंग लगा चुकी हूँ, ये आप गमला देख रहे हैं, इसके पास में छोटा सा यहाँ छाया में मैंने रख दिया है
और पूरी छाया मैंने सभी रख दी है। आज सुबह से काम किया है। आपको कैसा लगा ये छोटा सा वीडियो आप बताइएगा। आपको दिखाती हूँ पास में से जाके सारी कटिंग्स, ये एक में ही लगा दिए। ये देखिए यहाँ पर पंजीसाइड पाउडर रूट हार्मोन मैंने पानी में मिक्स करके धीरे धीरे इसमें डाल दिया है।